पासवान जी का जो है महारैली गया है, क्या लग रहा है चिराग पासवान भी जो है सपोर्ट में उतर चुका है? एकदम उपेंद्र जी जीत रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं है। हाँ एकदम, पवन सिंह टक्कर में नहीं है, कोई नहीं है, क्या है इसलिए कि नाच गाने वाले हैं फिर नजर नहीं आएंगे यहाँ, नजर नहीं आएंगे। लोग ये भी तो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी जो नजर नहीं आएंगे, एकदम आएंगे। क्या कहते हैं अंकल, कौन जीत जीत इस पर किसका तय है? देखिए हम लोग नरेंद्र मोदी का भक्त है, हम लोग नरेंद्र मोदी को हाथ मजबूत करेंगे। राजस्थान ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अभी आप लोग देखे वीडियो में हुई है किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जो है महा जो है रैली किया था, साथ में जो है चिराग पासवान भी जो है सपोर्ट में खड़ा हुआ है, जमुई से चलकर आ चुका है काराकाट, चिराग पासवान भी जो है पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का। तो यहाँ पे जो है तमाम जो है आम पब्लिक लोग भी है। तो चलिए हम लोग आम पब्लिक लोग से जानेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा का इस बार जीत जो है तय होगा या फिर पवन सिंह का। चलिए कुशवाहा जी का जो है महारैली गया है, क्या लग रहा है चिराग पासवान भी जो है सपोर्ट में उतर चुका है? एकदम उपेंद्र जी जीत रहे हैं, कोई टक्कर में नहीं है। हां एकदम, पवन सिंह टक्कर में नहीं है, कोई नहीं है, क्या है इसलिए कि नाच गाने वाले हैं फिर नजर नहीं आएंगे यहाँ, नजर नहीं आएंगे। लोग ये भी तो कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी जो नजर नहीं आएंगे, एकदम आएंगे। क्या कहते हैं अंकल, कौन जीत इस पर किसका तय है? देखिए हम लोग नरेंद्र मोदी का भक्त है, हम लोग नरेंद्र मोदी को हाथ मजबूत करेंगे। और पिछली बार मोदी को प्रधानमंत्री की तरफ से हरा है। क्या अंकल क्या कहते हैं, कौन जीत किसका जीत होगा इस बार? तीसरी बार नरेंद्र मोदी का 400 बार नरेंद्र मोदी का जी। अभी हमारे कैंडिडेट हैं उपेंद्र कुशवाहा जी जो 5 नंबर पर लीडर साहब हैं। अच्छा, केंद्र में नरेंद्र, काराकाट में उपेंद्र, आप उस पर देखे तार है वो आए थे उपेंद्र जी को सपोर्ट करने, और उनका बहुत ही मतलब पासवान है, सब हमारे साथ हैं, हम लोग अबर बार 400 पार हूँ गाही। काराकाट में देखा जाता है कि कुशवाहा लोग काफी ज्यादा है मात्रा में, इसीलिए कुशवाहा लोग जाति को सपोर्ट करते हैं, उनको जो है वोट करते हैं, क्या ये सच है? हाँ सच है, सभी सभी उपेंद्र कुशवाहा लोग हैं। नहीं नहीं, हम कुशवाहा हैं, अलग अलग जातियों से। मेरा नाम उपेंद्र ठाकुर है। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं उपेंद्र कुशवाहा का, उपेंद्र कुशवाहा जी कोई जात के नेता नहीं है, वो जमात के नेता है। अच्छा, पवन सिंह जो है निर्दलीय चुनाव में लग रहा है, काफी लोग जो ये पवन सिंह का नाम ही मत लीजिए, नाम ही नहीं लीजिए, नाम ही नहीं होगा, वो सेलिब्रिटी है, सारा जनता जान गया कि वोट काटने के लिए आए थे, केवल देखने के लिए, अब उनको नहीं वोट मिलने जा रहा है, भीड़ लग रही है, कोई हीरो थे, कोई भी हीरो आएगा तो देखने के लिए भीड़ लगेगी, ऐसे भी मतलब कि वोट नहीं है, वोट नहीं है, वो वोट में परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, किसी भी कीमत पर वोट में परिवर्तन नहीं होगा। कहीं ना कहीं ये चीज को उपेंद्र कुशवाहा जो है एक इंटरव्यू में बोले भी हैं कि वो जो भीड़ लगा हुआ है वो एक हीरो को देखने के लिए लगा हुआ है, कहीं भी आते दम सही सकते हैं, पुलिस में लेटी आ जाएगा या अमिताभ बच्चन आ जाएंगे, भीड़ लगेगा देखने के लिए, हटा करके कोई भी हीरो के लाइए भीड़ हो जाएगी देखने के लिए। तो ये भी मतलब इस बात सही है कि राजनीति जो है अपने जगह पे, हीरो वाला जो फैन बेस है वो अपने जगह पे, क्या कुछ कहना चाहते हैं किसकी जीत होगी, उपेंद्र कुशवाहा या फिर? हेलो, उपेंद्र कुशवाहा जी की जीत होगी। इधर है बावगल मोड़ पर, ये नरेंद्र मोदी जी जो है दुख लेके चलना है, नरेंद्र मोदी को सरकार बनाएंगे, अपनी बार 400 पार, अपनी बार 400 पार। सिलेंडर का पूरा एकदम टी शर्ट पहने हुए उपेंद्र कुशवाहा जी का टी शर्ट पहने हुए जी, जी। क्या बात है, कहा है उपेंद्र कुशवाहा जी, कहा है उपेंद्र जी, उपेंद्र जी है हमारे भाई नक्के हैं। अच्छा, भाई के वो भाई राम है, हम लक्ष्मण है, इसलिए 5 नंबर लगाना है, अब मोदी सरकार बनाना है। देखिए इस बार फैक्ट्री खुलवाएंगे निश्चित, एकदम निश्चित उनको खुलवाना है, एकदम बोलते हैं इस बार फैक्ट्री खुलवाएंगे, जितना काम अधूरा पड़ा है उस हम पूरा करेंगे, हर पासवान जाति से, हर धर्म से, हर कौम से लोग यही ईमानदारी को मौका देके जिताया जाए और 400 पार कराया जाए। पवन सिंह जी ये बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ काम नहीं किए, मतलब नहीं काम नहीं लिया, लेकिन बोले कि काम काम किए हैं, बहुत सारा हुआ, बहुत सारा काम किए हैं, बहुत सारा काम हुआ है, जैसे केंद्रीय विद्यालय खुलवाना उपेंद्र जी ने किया था, रोड बनवाना, पहले आप देखे होंगे 2015 से पहले जो सरकारें थी आप रोड में गड्ढा था कि गड्ढा में रोड था कुछ पता नहीं चला, लेकिन केंद्र सरकार का ही देन है, नरेंद्र मोदी जी का ही देन है, उपेंद्र कुशवाहा जी का ही देन है, आज रोड इतना चिकना हो गया। अच्छा, काराकाट में विकास हुआ है? एकदम विकास हुआ है, काफी सारे लोग कह रहे हैं कि विकास ही नहीं हुआ, विकास हुआ है, विकास हुआ है जी, विकास हुआ है। अच्छा, और उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसा क्या काम करने वाले हैं, उनका क्या मुद्दा है जो इस बार आप लोग जो है वोट देने वाले हैं? रेल कारखाना का हम
मैंने अभी जीतेंगे तो रेल कारखाना हमारा जामिया नगर में है वो चालू। अच्छा, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा अपना राय विचार कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। राजासन ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर नया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एमबी न्यूज़ को अगर देख रहे हैं आप लोग, एमबी न्यूज़ चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।